नमस्कार दोस्तों, हूं धवल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्विटर में ट्विटर लिस्ट का बिजनेस के लिए क्या यूज हो सकता है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज ट्विटर लिस्ट फॉर बिजनेस, जिससे आप ट्विटर जो कि सोशल नेटवर्किंग है उसका फायदा अपने बिजनेस में उठा सकते हो। और ट्विटर बहुत ही पॉपुलर भी है, वो आप जानते भी हो कि सोशल मीडिया में फेसबुक के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है ट्विटर। तो चलिए बात करते हैं आज हाउ टू यूज ट्विटर लिस्ट फॉर अ बिजनेस। और अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले हर टेक्नोलॉजी के वीडियो आपको समय सर मिलते रहे। और बाजू का बेल आइकॉन भी दबाइए। और आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू यूज ट्विटर लिस्ट फॉर बिजनेस। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूं जहां पे मैंने मेरा ट्विटर अकाउंट खोला हुआ है। तो आप देख सकते हो यहां पे आपने कितने ट्वीट किए हैं, 230 ट्वीट अभी तक किए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। यहां पे फॉलोइंग कितने आपने दूसरों को फॉलो किया है तो उसकी लिस्ट आती है। यहाँ पे आपके जो फॉलोअर्स है उसकी लिस्ट आती है, कितने लाइक है, कितने लिस्ट बनाए हैं। हमें ये लिस्ट का आज देखना है कि लिस्ट किस तरह बनाया जाता है ट्विटर में, और उसका यूज कैसे और कहाँ होता है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ प्रोफाइल में जाके लिस्ट पे क्लिक करना है, और यहां पे लिस्ट पे क्लिक करके आपको क्रिएट लिस्ट, राइट साइड में जो यहां पे दिख रहा है क्रिएट लिस्ट, वहां पे क्रिएट न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। जी हाँ, और यहां पे आपको कुछ फील्ड दिखेगी, लिस्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लिस्ट में, कि आपको अपना लिस्ट पब्लिकली रखना है या प्राइवेटली रखना है। तो पब्लिक रखेगा तो एनी वन कैन फॉलो दिस लिस्ट, और आपके लिस्ट को कोई भी फॉलो कर सकता है। लिस्ट में क्या होता है, कुछ होता है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और प्राइवेट में आपका लिस्ट खुद सिर्फ आप ही देख सकते हो। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ कि लिस्ट कैसे बनाया जा सकता है, उसके बाद इस लिस्ट का हम बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मेरा वीडियो, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं बिजनेस, और कोई भी आप दे सकते हो नाम, लाइक कोई सेलिब्रिटी को आपको फॉलो करना है सेलिब्रिटी लिस्ट फॉलो करना है, या कोई बड़े बड़े कस्टमर को आपको फॉलो करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम वैसे लिख सकते हो जो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा नाम है कौन से लिस्ट का। तरह बेसिकली एक फोल्डर जैसा आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन ये फोल्डर नहीं है, ये लिस्ट है। तो इसमें आप कोई भी अपना सा नाम लिख सकते हो, लाइक आपको कोई इंडस्ट्री लीडर्स को फॉलो करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहां पे लिखते हैं इंडस्ट्री लीडर, ओके। इंडस्ट्री लीडर, यहां पे डिस्क्रिप्शन में हम अपना फॉलो बिग, जरा फॉलो बिग इंडस्ट्री लीडर। तो ये जो है, ये आपको खुद को समझने के लिए है। तो यहां पे हम पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं, तो अभी हम प्राइवेट करते हैं और ये ऐसे सेव करके सेव लिस्ट हम कर देते हैं। तो ये हमारा लिस्ट बन गया, ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा ये बोर्ड प्राइवेटली, ओके। यहाँ पे कितने मेंबर है, सब्सक्राइबर है, अगर आप पब्लिक करोगे तो ये सबका यूज होगा। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, देखो ये एडिट से आपको पब्लिक करना है तो पब्लिक करके सेव कर सकते हो। फिलहाल हम इसको प्राइवेट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेंबर, कौन आपने किसको इसमें ऐड किया है और ऐड कैसे किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे एक तो सर्च का ऑप्शन, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो।
अभी हम सर्च करते हैं मुकेश अंबानी, उसको हम इस लिस्ट में ऐड करेंगे, देखते हैं उनका अकाउंट है कि नहीं। आई थिंक स्पेलिंग कुछ गलत लिखा है, लेकिन ये रहा उनका अकाउंट मुकेश अंबानी का। ओके, अभी हमको लिस्ट में ऐड करने के लिए उसको पहले तो फॉलो करना पड़ेगा। ओके, हमने इसे फॉलो किया, अभी हमको हमारा जो इंडस्ट्री लिस्ट है उसमें ऐड करना है। तो फॉलो करने के बाद यहाँ पे ऐड और रिमूव फ्रॉम द लिस्ट आता है, आप देख सकते हो। आफ्टर फॉलो मैं अनफॉलो कर देता हूँ, उसके बाद भी शायद आएगा, हाँ तो भी आता है, हमको डायरेक्टली ऐड करना है तो भी, लेकिन अच्छा है कि हम उसे फॉलो कर लें। और फॉलो करने के बाद हमें यहाँ पे ऐड और रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, ताकि रिमूव ऐसा है कि कई बार हम ऐड कर देते हैं, बाद में रिमूव करना हो तो भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी लिस्ट है, ये देखो मैंने पुराने वाले दो लिस्ट बनाए थे वो भी आता है, क्योंकि हमें ऑप्शन देता है कि कौन से लिस्ट में आपको, कौन सी कैटेगरी में, कौन से ट्विटर के लिस्ट में आपको ये ऐड करना है। तो हम ये ऐड करेंगे इंडस्ट्री लीडर, क्रिएट लिस्ट। ओके, यहाँ पे क्रिएट लिस्ट नहीं करना है हमको, डायरेक्टली ऐड कर देना है। हमने ऐड हो गया है तो सिर्फ हमें यहाँ पे टिक कर देना है और हमारे ट्विटर अकाउंट में हमें देखना है, आ जाना चाहिए। हम चलते हैं हमारे होम पेज पे और देखते हैं हमारा लिस्ट। यहाँ से हम हमारे लिस्ट में गए और ये इंडस्ट्री लीडर में हमने क्लिक किया, देखिए मुकेश अंबानी हमारे इंडस्ट्री लीडर में आ गए हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मेंबर एक है, क्योंकि हमने एक को ऐड किया है, और यहाँ पे मुकेश अंबानी के सारे ट्वीट आ रहे हैं। तो आपको अगर आप होम पेज पे जाओगे तो आपको आपने जिन जिन लोगों को फॉलो किया है, ये देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज दिख रहा है, तो हर एक कोई का आएगा। ये देखिए काफी सारे हम जिसे जिसे फॉलो कर रहे हैं उन सबके ट्वीट आते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर कैटेगरी का लिस्ट रेडी करते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ उन इंडस्ट्रियल्स के ट्वीट देख सकते हैं, राइट। अभी हमने एक ही लोग को फॉलो किया है, चलिए हम दूसरे सर्च करते हैं, रतन टाटा, देखिए रतन टाटा का आ गया है, अब हम उसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने की प्रैक्टिस रखें आप, और ऐड रिमूव लिस्ट, इंडस्ट्री लीडर, क्रिएट लिस्ट पे क्लिक नहीं करना, क्रिएट लिस्ट आपको नया लिस्ट क्रिएट करना है तभी आएगा, और यहां से डायरेक्ट आप लिस्ट नया क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। आप एक से ज्यादा लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमने रतन टाटा को ऐड कर दिया, अभी हम ऐड करेंगे आनंद महिंद्रा, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए यहाँ से फॉलो करते हैं और यहाँ से ऐड करने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, इंडस्ट्री फॉलो। ओके, हमने तीन लोगों को ऐड किया है, हम जाएंगे वापस अपने होम पेज पे और वापस अपना लिस्ट खोलेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस्ट्री लीडर में तीन मेंबर आ गए, और उन सब के ट्वीट हम देख सकेंगे। देखे आनंद महिंद्रा का ट्वीट है, ये मुकेश अंबानी का ट्वीट है, ये रीट्वीट किया हुआ है आनंद महिंद्रा ने, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए रीट्वीट मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा ने हालांकि अभी रिसेंटली कोई ट्वीट नहीं किया होगा इसलिए नहीं आता है। तो इस तरह आप पर्टिकुलर लिस्ट बना के उसका यूज कर सकते हो। अभी आप इसका फायदा कैसे ले सकते हो, तो पहला फायदा मॉनिटर द कॉम्पिटिटर, आप अपने कॉम्पिटिटर के जो ट्विटर अकाउंट है उसको मॉनिटर कर सकते हो। आप एक लिस्ट बना दो अपने कॉम्पिटिटर का और सबका, उसका ट्विटर अकाउंट इसके साथ ऐड कर दो लिस्ट में, तो आप
अपना आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उसकी अपडेट आपको एक ही, आपके फॉर एग्जांपल 10 कॉम्पिटिटर है, 50 है या 500 है, सबको इस लिस्ट में ऐड कर दे दो। जो भी कॉम्पिटिटर जो भी ऐड करेगा आपको ढूंढने में आसानी रहेगी, ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। और आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए उसका यूज कर सकते हो। कनेक्ट विद इंडस्ट्री लीडर्स, अभी हमने वो एग्जांपल तो लाइव देखा कि इंडस्ट्री लीडर को कनेक्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। स्टे ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेंड, आप जो टॉप ट्रेंड है उसको भी ऐड कर सकते हो। मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल आपको न्यूज़ पढ़ने का बहुत शौक है तो आप एक लिस्ट ऐसा बनाइए जो ब्रेकिंग न्यूज़ देता हो, तो आपको सिर्फ वो लिस्ट में जाना है तो आपको सारे ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। जो जो चैनल या जो जो न्यूज चैनल का ट्विटर अकाउंट पे ब्रेकिंग न्यूज आता है तो आपको वहां पे मिल जाएगा। बड़ी बड़ी न्यूज चैनल ऐसे ही ट्विटर अकाउंट में लिस्ट बनाती है और वहां से इंफॉर्मेशन निकालती है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपका एम्प्लॉई हो तो आपके एम्प्लॉई के साथ भी एंगेज हो सकते हो। आज ग्लोबल इंडस्ट्री में आप इंडिया में बैठे बैठे आप फॉरेन में भी काम करते हो, फॉरेन में एम्प्लॉय भी रख सकते हो या कोई और कंट्री के एम्प्लॉय या कोई और सिटी के एम्प्लॉय रख सकते हो, कोई विलेज के एम्प्लॉय रख सकते हो, तो उसका एक लिस्ट बना सकते हैं और उनके साथ भी एंगेज हम ट्विटर के माध्यम से रह सकते हैं। तो उससे हमको उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा इंसान है, उसका भी आइडिया आ सकता है वो। और उसके बाद हम कोई इवेंट्स है उसका भी लिस्ट बना सकते हो, कोई फ्रीक्वेंटली इवेंट पोस्ट कर रहा हो तो इवेंट के जो जो इवेंट इंडस्ट्री है उसके भी फॉलोअर्स हम अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं, तो जो जो नियर बाय इवेंट होने वाली है उसका मालूम हमको पड़ सकता है। एक बहुत बड़ा फायदा है मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप। आप अपने कस्टमर, अगर किसी कस्टमर को आज के ज़माने में कस्टमर को सर्विस देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी ने ट्वीट करके हेल्प मांगी है आपकी तो आप उस कस्टमर को टैग करके उसका आंसर दीजिए और वो सारे कस्टमर जो जिन्होंने आपको टैग किया हो उनको एक लिस्ट में डाल दीजिए ताकि आप उनको फॉलो कर सके और उनका बिहेवियर जान सके, तो बिहेवियर एनालिसिस आप कर सकते हो। और आप अच्छे ब्लॉगर्स और मीडिया वालों को भी फॉलो कर सकते हो तो आपको क्या है कि अपडेट मिलती रहेगी। तो ये थे ट्विटर लिस्ट के फायदे, ट्विटर लिस्ट कैसे बनाया जा सकता है आज हमने सीखा, और ट्विटर लिस्ट क्रिएट करके किस तरह कॉम्पिटिटर और बाकी सारी चीज़ों पे नज़र रख सकते हो, उसका फ़ायदा बिजनेस में ले सकते हो, उस पर आज हमने पूरी चर्चा की। आई होप आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो जल्दी से अपना ट्विटर अकाउंट खोलिए और लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए ताकि हर एक इंडस्ट्री की न्यूज़ आपसे पहुँचे सबसे पहले। और सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर हमारे वीडियो Facebook पे देख रहे हो तो Facebook पेज को जरूर फॉलो कीजिए। और आपको ट्विटर लिस्ट के बारे में या ट्विटर और अदर सोशल मीडिया के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए और आने वाले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश पूरी तरह करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले टेक्नोलॉजी के वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हूँ धवल।